वाले गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के मतदान को संपन्न कराने के लिए कड़ी सुरक्षा के साथ 56 पोलिंग पार्टियों को गोरखपुर विश्वविद्यालय से निर्वाचन सामग्री के साथ किया गया रवाना। मतदान कराने के बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय में बने स्ट्रांग रूम में वापस निर्वाचन सामग्री को करेंगे जमा। CDO संजय कुमार मीणा ने दी जानकारी। ग्राम सभा टिकरिया नाथ सिंह के 31 वर्षीय युवा ग्राम प्रधान शिवजी यादव ने लगाई फांसी। आत्महत्या की वजह साफ नहीं। बीती रात गांव के बर्थडे पार्टी से वापस आए थे ग्राम प्रधान। गांव में है तरह तरह की चर्चा। जांच में जुटी पुलिस। ₹299 करोड़ की लागत से बन रहे आयुष विश्वविद्यालय के कार्यों का जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया निरीक्षण। कार्यों को मार्च माह तक पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। जनपद के सभी थानों पर तैनात जनसुनवाई अधिकारियों के साथ SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने की बैठक। थाने पर आने वाले फरियादियों के समस्याओं को थाने पर ही निस्तारण करने के लिए सभी अधिकारियों को दिए निर्देश। रंगदारी मांगने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक अभियुक्त रंजीत निषाद को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब बनाने व बेचने वाले 3 हिस्ट्री शीटरों के ऊपर गुलेरिया थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। ASP CO चौरी चौरा मानुष पारिक ने दी जानकारी। MLC चुनाव व बोर्ड परीक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा जनपद में 2 महीनों के लिए लागू किया गया धारा 144। ADM सिटी ने नागरिकों से की अपील, कहा बिना अनुमति के ना करें कोई सार्वजनिक कार्यक्रम। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के परिनिर्वाण दिवस की पूर्व संध्या पर राजकीय बौद्ध संग्रहालय में गांधी जी के जीवन पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। कहा विश्व को अहिंसा की शक्ति दिखाने वाले गांधी जी का जीवन देश सेवा के लिए रहा समर्पित। गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति से चल रहे खिचड़ी मेले में रविवार को गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या में उमड़ी भीड़। कहा गुरु गोरखनाथ का दर्शन करने के बाद मेले में लगे झूलों का उठाया लुफ्त। और हिमालय से आ रही सर्द हवाओं ने यूपी में बढ़ाई सर्दी। सुबह शाम पड़ रहा है कोहरा। ADM फाइनेंस एवं जिला आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा एक सप्ताह के बाद मौसम में शुरू होगा बदलाव।